बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत देश के प्रथम आदिवासी आईआरएस अधिकारी कैलाश चंद्र घुमरिया को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य मनोनीत नहीं करने पर दलित आदिवासी संगठनों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के आक्रोश व्यक्त किया है। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा व सेवा संस्थान राष्ट्रीय मीणा महासभा वंचित समाज परिसंघ ने पीएम को लिखे पत्र में बताया कि घुमरिया 1982 बैच के आईआरएस हैं, जिसका मेरिट लिस्ट के अनुसार सीबीडीटी में चयन होना था, लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए उनके जूनियर अधिकारी का चयन किया गया, जिससे इस वर्ग में आक्रोश है। परिसंघ के अध्यक्ष इंद्रराज सिंह और अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के सचिव राजकुमार मल्होत्रा एवं मीणा महासंघ के अध्यक्ष सीताराम मीणा का कहना है कि सरकार के इस रवैये से समूचे आरक्षित वर्ग में आक्रोश है, जो कि पहली बार केंद्र सरकार के पास में घुमरिया को सीबीडीटी सदस्य नियुक्त करके श्रेय लेने का अवसर था, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं घुमरिया के साथ में राजनीति हो रही है, जो सरासर गलत है। इसका दलित आदिवासी वर्ग पुरजोर तरीके से विरोध करता है। चार जुलाई 18 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कर डिवीजन के द्वारा इनकम टैक्स के आईआरएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। इन आवेदनों में से चार पोस्ट के लिए 15 आईआरएस अधिकारियों का आवेदन प्राप्त हुए, 15 में से 6 को उनकी कमेटी ने फाइनल किए। चार नाम आए, उनमें से चौथा नाम केसी घुमरिया जी का था, जो हमारे एससी एसटी वर्ग के सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी केंद्रीय स्तर पे हैं और उनकी नियुक्ति हुई थी। हमारा गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज़ादी के बाद 71 साल हो गए और केंद्र सरकार का जो आयकर विभाग है उसमें सीबीडीटी में आज तक हमारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एक भी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया गया। इस समय हमारे राजस्थान के एक योग्य ईमानदार और जिनका पूरा 36 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, मेरिट पर है, उनकी उम्मीदवारी को दरकिनार करके एक जो उनसे जूनियर है 1983 बैच के, उनको लाया जा रहा है। ऐसी मीडिया के द्वारा खबर आ रही है। हमने इस बारे में 12 जून 2018 को माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को, अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति पार्लियामेंट्री समिति को हमने एक पत्र लिखा था कि पहली बार हमारा एक जो योग्य उम्मीदवार है मिस्टर केसी घुमरिया, जो वर्तमान में प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी इनकम टैक्स बिहार एवं